दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन प्रेशर, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, और एक और चीज़ बताऊंगा वो है पिटॉट ट्यूब। स्टैटिक और स्टैग्नेशन प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है पिटॉट ट्यूब, जिसमें हम लोग एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो को करते हैं मेज़र। तो वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्टैटिक प्रेशर होता क्या है, स्टैग्नेशन प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक प्रेशर से। स्टैटिक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब हम लोग सिंपल प्रेशर जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कोई फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें जो स्टैटिक प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर ड्यू टू मॉलिकुलर कॉलिजन्स और प्रेशर एक्सपीरियंस्ड व्हेन मूविंग विद द फ्लो। मतलब अगर कोई जो प्रेशर सिर्फ मॉलिकुलर कॉलिजन्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें कोई डिवाइस को रख देते हैं और जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी है उसको हम लोग मूव करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो वो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा वही हो जाएगा उसका स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वो जब रेस्ट पे वहाँ रहेगा तो नहीं, उसी वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मतलब इसका जो वेलोसिटी है उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सिंपल जो प्रेशर वो फील करेगा। ठीक है, वही स्टैटिक प्रेशर होता है, या फिर हम लोग जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? एक हम लोग पाइप रहेगा उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, इसे एक साइड में हम लोग वाल वाल टैप क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसलिए किए हैं यहाँ पे सरफेस पे होल करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, कोई हम लोग बीच में डिवाइस घुसेड़ के मेजर नहीं कर सकते, मतलब बीच में डाल के, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे तो वेलोसिटी इंटरफेयर करेगा और हमने एग्जैक्ट प्रेशर नहीं देगा, वो स्टैटिक प्रेशर वो कुछ और देगा। ठीक है, वही स्टैग्नेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक हमें करना है पता, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सर्फेस पर देंगे कनेक्ट, और यहाँ से क्या होगी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो जो हम लोग कोई भी अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्लूइड, तो फ्लूइड तो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा होता है ना पाइप पे, तो यहाँ पे भी प्रेशर वो अपन लगा रहा होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो हर पॉइंट प्रेशर फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है इधर, तो उस इधर भी प्रेशर लगा ही रहा होगा हर वॉल्स पे, तो वही है स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं मेज़र। तो यहाँ हमने होल क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को हम लोग देंगे लगा, और यहाँ जो आएगा प्रेशर वही हो जाएगा स्टैटिक प्रेशर। इसमें फ़ायदा क्या है हम लोग सरफेस पे लगाए कि ये लोग जो वेलोसिटी है वो इसके इधर हम लोग प्रेशर का डायरेक्शन इधर हम लोग मेज़र कर रहे हैं और वेलोसिटी का फ्लो का डायरेक्शन इधर है। ओके, तो इससे हम लोग को ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है ये वेलोसिटी हम लोग को जो स्टैटिक प्रेशर करना है मेज़र। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या है, इसे हम लोग क्या एक और तरीके से करते हैं मेज़र कि हमने एक लगाया यहाँ पे टैप, इसे हम लोग दो तीन टैप भी लगा सकते हैं होल करके। ठीक है, इसी सरफेस में ये मैंने ऐसा व्यू दिखाई, इसे अगर हम लोग 3D में दिखाए तो यहाँ पे भी टैपिंग क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजरिंग डिवाइस देते हैं लगा। इसे होता क्या है कि हम लोग एग्जैक्ट प्रेशर इस क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग मेज़र कर सकते हैं। होता क्या है कि जो प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर वो एक क्रॉस सेक्शन के हम लोग के अलॉन्ग हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो सेम रहता है। ठीक है, किसी भी अगर एक क्रॉस सेक्शन को ले लिए हम लोग फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें से कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, तो उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो वो जो होगा अगर वो पाइप स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, कर्व हो जाने की वजह से वो चेंज करता है, उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर पाइप स्ट्रेट है, अगर स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर हम लोग एज्यूम फाइंड करेंगे क्रॉस सेक्शन पे वो सब पॉइंट पे उस क्रॉस सेक्शन पे सेम ही होगा। ठीक है, चाहे हम लोग उसका इस सर्कमफेरेंस पे पता करें या फिर कहीं पर करें, तो आसान है सर्कमफेरेंस के पे पता करना क्योंकि वो हमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है वेलोसिटी यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर हम लोग पता करने के लिए डिवाइस लगाते हैं तो वहाँ वेलोसिटी इंटरफेयर कर देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और सब प्रेशर को फाइंड करके ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, तो एग्जैक्ट प्रेशर हमें मिल जाता है इस क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग स्टैटिक प्रेशर। तो ये स्टैटिक प्रेशर है। अब स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो इज द प्रेशर इफ फ्लूइड वेयर ब्रॉड टू रेस्ट आइसेंट्रॉपिकली, आइसेंट्रॉपिकली मतलब रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक मैनर। मतलब हम यहाँ आइसेंट्रोपिकली इसलिए ऐड किए, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही होगा कि सिर्फ फ्रिक्शनल डिसिपेशन नहीं होना चाहिए, है ना, नो फ्रिक्शनल डिसिपेशंस। ठीक है, नो फ्रिक्शनल डिसिपेशंस आइसेंट्रोपिकली। मतलब अब ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। मतलब कि अगर कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है और उसे हम लोग रेस्ट पर ला देते हैं, तो जो उस समय जो उसका प्रेशर होगा वो जब हम लोग रेस्ट पर उसे दिए लाए, किस तरीके लाए हम लोग, आइसेंट्रॉपिकली लाए, मतलब उसका एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं हुआ, सारा एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, तो उस टाइम पे जो हमें प्रेशर मिलेगा वो स्टैग्नेशन प्रेशर होगा। इसे और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज़ यूटिलाइज टू इंक्रीज इट्स प्रेशर ओनली। मतलब कि जो प्रेशर जो वेलोसिटी था इसका, जो काइनेटिक एनर्जी था,
एक तो स्टैटिक प्रेशर था इनिशियली, लेकिन प्लस इसके साथ काइनेटिक एनर्जी था। अब वो स्टैटिक प्रेशर तो है ही, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी प्रेशर में एक कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, कोई फ्रिक्शनल डिसिपेशन नहीं, मतलब एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं हो रहा है, सब प्रेशर्स में ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो फाइनल जो प्रेशर कन्वर्ट होने के बाद जो बनेगा वही हो जाएगा स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर प्लस जो काइनेटिक एनर्जी था उन दोनों को ऐड कर दिए तो बन जाएगा स्टैग्नेशन प्रेशर। ओके, तो इसे हम लोग पिछले वाले स्टैटिक को हम लोग कहाँ पे कर रहे थे मेज़र, बाहर से वाल से। अब हमें ये किसको मेज़र करना है, स्टैग्नेशन को, तो ऑब्वियसली बात हम लोग बीच में लाएंगे, ठीक है, बीच में कुछ डिवाइस को हम लोग डालेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन ट्यूब, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, हो क्या रहा है अगर इस तरीके से हम लोग अपैरेटस को रखेंगे, ट्यूब्स को, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो हाइट होगा वो कम होगा और इसका हाइट ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा इसलिए हो रहा है इसमें इतना वाटर का लेवल, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी सपोर्ट कर रहा है इसके प्रेशर को इंक्रीज करने में, ठीक है, इतना इतना तो स्टैटिक की वजह से है ही, प्लस इतना जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के वजह से आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी इस प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है। तो यहाँ जो हम लोग करेंगे मेज़र वो आएगा स्टैग्नेशन प्रेशर, और यहाँ जो मेज़र करेंगे वो आएगा स्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ ज़्यादा क्यों आ रहा है हाइट, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये रिलेशन क्या है स्टैटिक प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर में और डायनेमिक प्रेशर में। तो हम बर्नौली इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो अलॉन्ग द कोई स्ट्रीम लाइन ले लिए हम लोग, ठीक है, जो फ्लूड फ्लो कर रहा है कोई स्ट्रीम लाइन को ले लिए, उस स्ट्रीम लाइन के अलावा हम लोग बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ हम देखें तो इसके अंदर जो फ्लूड्स जो इसके अंदर पाइप के अंदर होंगे वो रेस्ट पे होंगे, स्टैग्नेंट होंगे, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे वो जीरो होगा। तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे P1/rho + V1² / 2 = P2/rho + V2² / 2। मैंने ग्रेविटी वाले टर्म को नहीं लिखा है क्योंकि दोनों सेम ही हाइट पे, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो V2 होगा वो जीरो होगा क्योंकि स्टैग्नेंट पॉइंट है, यहाँ जो फ्लूइड घुस चुका है अंदर वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो रेस्ट पे, जितने फ्लूइड पाइप के अंदर घुस चुके हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, बाहर में वो सब मूव कर रहे हैं, तो V2 जीरो हो गया। तो यहाँ से आ गया P2 = P1 + ½ρV1² तो P2 जो आया यहाँ पे वही स्टैग्नेशन प्रेशर है, P1 जो है वो है स्टैटिक प्रेशर। तो इस क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग पूरा स्टैटिक प्रेशर सेम ही रहेगा, तो यहाँ बोले कहीं पे भी बोले, अगर हम लोग यहाँ पे ये पता तो यहाँ की हर जगह पे इस क्रॉस सेक्शन पे सेम ही होगा, तो कहीं भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पता स्टैटिक ट्यूब से कोई डिवाइस कनेक्ट करके, या फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर पता कर लिए, तो वही यहाँ पे भी हो गया, तो हम लोग स्टैटिक प्रेशर भी पता कर सकते हैं। तो स्टैटिक प्रेशर जो स्टैग्नेशन प्रेशर आई इक्वल्स टू स्टैटिक प्रेशर प्लस ½ρV1² इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, है ना, ½ρV1² की वजह से। अब वो क्या है, ये जो एक्स्ट्रा है ना वही है डायनेमिक प्रेशर। यहाँ तक तो स्टैटिक है ही, प्लस ये क्या हो रहा है, जो स्टैग्नेंट प्रेशर है वही वही बता रहा है इस चीज़ को। तो स्टैग्निश जो है स्टैग्नेंट या फिर स्टैग्नेशन प्रेशर, वो प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर, तो स्टैटिक प्रेशर तो यहाँ तक है ही प्लस ये है डायनेमिक प्रेशर, तो इन दोनों को सम करके आता है ये स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जो ये स्टैग्नेशन प्रेशर हम लोग जो करते हैं इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमेशा ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पूछेगा कि क्या फ्लूइड फ्लो है तो उसमें क्या स्टैग्नेशन प्रेशर है, तो हम लोग सोचेंगे अरे ये तो फ्लूइड रेस्ट में है ही नहीं तो इसमें स्टैग्नेशन प्रेशर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग फिजिकली हम लोग रेस्ट में लाते हैं ताकि हम लोग उसे फाइंड कर सके फिजिकली हम लोग, लेकिन वो हमेशा ही होता है, ठीक है। हम लोग कैसे उसे अंडरस्टैंड करें, समझें कैसे, या फिर किसी और को एक्सप्लेन कैसे करें, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लूइड को रेस्ट पर लाते हैं और ये फॉर्मूला डराइव करते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं, नहीं तो वो हमेशा ही होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़ नहीं करना कि ये होता नहीं है, होगा, लेकिन इस हम लोग एक्सप्लेन करें कैसे करें एक दूसरे को, इसलिए इस अपरेटस को करते हैं अरेंज इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को, और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा याद रखना है कि आइसेंट्रॉपिकली ही, फ्रिक्शनल डिसिपेशन नहीं होना चाहिए, सारा काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में ही कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये दो बात आप याद रखें कि आइसेंट्रॉपिकली ही कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैग्नेशन प्रेशर हमेशा ही होता है, इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं एक्चुअल में, ठीक है, पर वो होगा हमेशा। तो यहाँ तक रहा ये, अब पिटॉट ट्यूब का कॉन्सेप्ट रहा, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, प्लीज़ वॉच दैट। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन, थैंक यू।